الحمد لله الحمد لله رب العالمين خالق الافلاك والارضين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين إمام الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين المهديين يسني كاكيدا علي بیت اطحار کی عزت بي عظمت بھی اور صحابہ کبار کی عزت اور عظمت وَعَلَىٰ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَأَصْحَابِ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَادِيِّينَ وَعَلَىٰ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْكَامِلِينَ الْوَاصِلِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ أَمَّا بَعْدُ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبي مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد مادن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم وسلّي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة सलामतमीन वाली का व अबिका या शफी अलमुजनबीन दोस्तों बुजुर्गों और भाइयों अजीज बच्चों और मेरे दोस्तों मेरे साथियों माशाल्लाह इस जामा मस्जिद में इसका नाम भी मोती है और मोती में वही होता है जिसका ख्याल मोती रखे <laughs> वो आता करने वाला जब जब आता करे तो करम नवाजी फरमाता है अल्लाह का हमारी मसाजिद को सुन्नियों की सारी मसाजिद को अल्लाह कायम और दायम रखे एक तो माशाल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन के मानने वालों को सलाम करता हूँ कि उन्होंने मोहब्बत रसूल का इश्क रसूल का करंट भरा है और रब ने उनके भी नाम को कितना रोशन कर दिया लेकिन लब्बैक का नारा जरूर लगाएं लेकिन साथ ये भी देखें कि चेहरे पर दाढ़ी है एक अल्लाह अकबर आ रसूल अल्लाह या रसूल के गुलाम हैं बहुत भी कबूल है और फिर नमाजें भी पूरी पढ़ते हैं किसी अपने बड़े की इज्जत में फर्क तो नहीं ला रहे किसी का कर्जा देना है तो उसका इनकार तो नहीं कर रहे किसी की इज़्ज़त नमाजो यानी फ़र्ज हो लबै का मान क्या है अल्लाह के महबूब आपकी इज्जत के लिए हाजिर हैं आपकी शरीयत के लिए हाजिर हैं आपके हर हुक्म के आगे गर्दन झुका कर हाजिर हैं ये ये एक बहुत बड़ा एक इनाम है अल्लाह ताला मुझे और आपको ये इनाम अनायत फरमाए आज जिनकी महफिल है ये वो है अल्लाह अकबर वक्त नहीं वैसे मेहमान हमारे आ रहे हैं कि किसी खास मौजू को छेडूं ये वो हैं जिन्हें रब ने नैन कहा है दो में से का दूसरा यानी यह लफज जो है सानियासनैन क्यों कहा वहां दुई है ही नहीं मन शुदम तू मन शुदी मन शुदम तू तन शुदी ताकस न गोयद बाद मन दी गरम तू दी गिरी तो और ये वो सिद्दी के अकबर जिनको कहा गया जिनका नाम भी अबू बकर रखा गया और जिनका नाम अब्दुल्ला सरकार ने खुद रखा फिर कभी मौका हुआ तो ये चारों के साथ ऐन आती है इस पर मैं गुफ्तु करूंगा जनाबे अबू बकर का नाम अब्दुल्ला उमर का नाम उमर उस्मान और अली चारों के शुरू में ऐन आती है इसकी वजह फिर बताऊंगा इन लेकिन इतनी बात याद रखें कि जिन्हें अबू बकर कहा गया क्यों सबसे पहले आजाद मर्दों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला और मेरे और आपके मबू बा फरमाते हैं जिस भी किसी के सामने मैंने दीन पेश किया कुछ ना कुछ वो रुका एजिटेट उसने किया कुछ ना कुछ वो झिझका कुछ ना कुछ उसने सोचा अबू बकर के जो ही मैंने कहा अबू बकर मैं अल्लाह का रसूल हूं का कलमा पढ़ाइए सोचा तक नहीं और फिर एक लंबी है उल, उल, के राम तो मौजूद हैं ये जानते हैं मुझसे बेहतर जानते हैं हमारे खतीब आजम भी मौजूद हैं कि कई हैं मैं उस सब को छेड़ना नहीं चाहता जिबरील ने कहा मुझे तीन चीजें पसंद हैं इस तरह और उन सब में बड़ी तवील अदीस है पूछा गया है अबू बकर तुझे कहा मुझे भी तीन पसंद है कहा कौन सी कहा माल खर्च हो सरकार पर औलाद कुर्बान हो सरकार पर और मेरी जान कुर्बान हो सरकार पर तीन ही चीजें कीमती होती हैं वक्त हो, होता तो मैं इसको भी छेड़ता मैंने देखा है लोग अपनी जान बचाने के लिए औलाद की भी परवाह नहीं करते जब अपनी जान की बारी आए अब मसलन कोई अगर कहीं फंस जाए ना बेटा भी फंसा हो तो खुद भी यकीन कीजिए बेटे की भी परवाह नहीं करेगा छलांग लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा पहले होता है वतन वतन से मुहब्बत लोग उसको कुर्बान कर देते हैं दौलत के लिए ऐ जो बाहर बैठे हैं जो दौलत के लिए कुर्बान कर देते हैं फिर मोहब्बत होती है औलाद से औलाद के लिए दौलत सारी कुर्बान कर देते हैं फिर मोहब्बत होती है अपनी जान से अपनी जान पर बारी आए तो औलाद का भी कोई ख्याल नहीं करता है क्या शान है कहां माल भी सरकार पर औलाद भी सरकार पर, और मेरी जान भी सरकार पर यह कुछ थोड़ी बात ना थी और फिर अल्लाह के महबूब आलम सल्लास ही नहीं रब ने खुद फरमाया जिन्हे जिन्हें शाने दी गई ना मैं इसको भी छेड़ना नहीं चाहता शाने दी गई उनमें कहा गया मन अन फकाब अल वकातल है ना मन अन फका जिसने खर्च किया फतेह मक्का से पहले और कताल किया जिसने खर्च भी किया और कताल भी किया ऐसा सिद्धिके अकबर तेरी शान यही है कि सारा माल क्योंकि बिजनेसमैन थे मक्के में बहुत बड़े ताजिर थे बिजनेसमैन थे सारा माल सरकार की बारगा में ले आए और खर्च किया जब ये खर्च किया तो इतनी बड़ी शान है ये कि अल्लाह के, अल्ला के महबूब ने फरमाया और ये कि मेरी हर चीज़ कुर्बान हो जाए सरकार पर सरकार राजी हो जाए और इसीलिए उन्हें सिद्दीक कहा गया जनाब एदर करार का कौल मैंने कई किताबों में हवाला अंडरलाइन किया हुआ है जनाब मौला मुर्तज़ा एदर करार फरमाते हैं अबू बकर तेरा नाम सिद्दीक तुझे जमीन वालों ने नहीं दिया ये वहाँ से आया है सिद्दीक ये जो अरबी ग्रामर जानने वाले ओलमा हैं वो जानते हैं ये फील के वजन पर है और ये इतना इसके अंदर बलागत है और मुबालगा है इतना माना यह है कि सिद्दीक वो है एक होता है सादिक एक होता है सादिक से कभी सच जुदा हो सकता है सिद्दीक वो है जो जहां भी हो सच होगा जो घर में बैठे तो सच जो जंग में जाए तो सच जो सफर में हो तो सच जो कब्र में हो तो सच यानी जिसमें जो न सच से कभी जुदा हो न सच उससे कभी जुदा हो उसको सिद्दीक कहा जाता है और एक सिद्दीक नाम रखे वाले देन, और एक है सिद्दीक रब कहे जमीनों आसमान का फर्क नहीं बहुत बड़ा फर्क है और फिर रब ने फरमाया इस आखराजा हु किसमीर वाहिद की है क्योंकि सरकार की बात थी ना इस अखराज होमां ने ही कहा इस ज इज़ अखरजा उलनास नई ने दो में से का दूसरा इज में थे आये हाय क्या वो शान होगी हजरत मेरा एक अपना मिजाज है मेरा एक अपना मिजाज है मेरी एक अपनी सोच और फिक्र है अपने अंदर ही लोग मसल के बारे में मुख्तलिफ चे में गोईयाँ कर रहे हैं मैं उस मसलों को बयान कर रहा हूँ थोड़ा सा वक्त है जो मसलक दाता पाक ने अपनी किताब में बयान किया दाता पाक से बड़ा आलिम कोई नहीं दाता गंज बख्श अली से बड़ा वली कोई नहीं सूफ़ी कोई नहीं और उनसे बड़ा सैयद कोई नहीं मौजूदा दौर में और वो जनाब हैदर करार की हैं और ये भी सैयद ज़ादे जनाब मौला मुतजा की औलाद हैं लेकिन सैदा ख़ातून जन्नत के हवाले से वही सैयद है ना तो अब इसी तरह मेरे पास किताब जो है कश्फुल महजूब वो है जो कि हज़रत ख्वाजा ज़क्रिया मुल्तानी बाउद्दीन ज़क्रिया मुल्तानी रहमा के कलमी ब्याज में थी और प्रिंट हुई है और फिर एक और किताब हज़रत आई है वो आप को भी दिखाऊँगा इन शाला बल्कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई आ जाए तो पेश भी करूँगा उसूलुद्दीन जनाब गौ पाक की जनाब गौ से पाकि उसूलुद्दीन जो तुर्की के सादात ने प्रिंट की है उसमें भी वही अकीदा जो हमारा अकीद है वो ालमो ख्याल करो आज तुम तफजीलिये बन गए आज तुम पता नहीं क्या बन गए गौसे आजम से तुम कोई बड़े सैयद हो एक और फिर इमाम जाफर सादक मेरे पास इमाम जाफर सादक की एक किताब है मुनाजरा है उनका एक राफजी के साथ मुनाजरा है राफजी के साथ और उसमें जो उन्होंने सिदीक़ अकबर के चालीस ख़साए से बयान किए हैं अल्लाह अकबर वो इमाम जाफर सादक हमारा इमाम है मौला मुर्तज़ा की औलाद हैं ज़रा ख्याल तो करो और हम नक्शबंदी इस लिहाज से भी सारे सिलसिलों वाले बरकत वाले हैं मगर इस लिहाज से कि इमाम जाफर सदक के वजूद पर मौला अली का फैज भी आ गया सदीक़ अकबर का फैज भी आ गया और फिर मैं जो बयान कर रहा था सानिया फिर गार दो में से का दूसरा जब वो दोनों गार में थे मेरा अपना विजदान है सैयद पाक की बारगाह में ये मेहमान भी हैं हमारे इसलिए लंबा बयान नहीं करूँगा कि सरकार को कतान गारे शौर में आकर पना लेने की जरूरत ना थी हमारे आका तो वो है काफी बैल खड़े हैं तलवारें लेकर खड़े हैं और जब तलवारें लेकर खड़े हैं बाहर तो कहा हे अली तू मेरे बिस्तर पर सो जा सो गए और ये जो बाहर खड़े हैं ना इनकी अमानते हैं मेरे पास ये दे कर आना वाह शाह ने मुस्तफ़ा सुन। और सरकार आ गए इधर मौला मुर्तजा का भी देखिए है। कहते हैं कि किसी ने कहा कि है अली तुम इतने सोए हुए हो तुम पता नहीं उनका नींद ही आ जाई है सरकार ने फरमाया है कि तूने आना है ईमानते देकर आना है आज मैं देखूंगा तलवार कैसे चलती है सोया भी मैं आज हूं और फिर सरकार वो दाएं बाएं खड़े थे उनके अंदर से गुजर के आ गए जो अल्लाह का नबी उनके काफरों के अंदर से गुजर कर आ जाए काफिर ना देख सकें उस आका को गारे सौर में छुपने की माज़ल्ला जरूरत न थी गारे सौर में सिद्दीक को स्पेशल फैज देना था गहरे फैज देना था अबू बकर तू सिद्दी के अकबर होगा तू खलीफा अव्वल भी होगा तू मुरतद्दीन के खिलाफ भी जंग करेगा तू खत्म नबुबत की सबसे बल पहले पासदारी करते हुए तू जंग करेगा और ये वो बातें थी कि जो कि आसान न थी आज हम नारा लगाते हैं यह भी फैजान सिद्दीक अकबर का है क्योंकि सबसे पहले खत्म नबुबत का पैरा उन्होंने दिया है उनकी ड्यूटी भी बनती थी मुश्किल हालात में भी पैरा दिया है और फिर वक्त नहीं कि इस मौजू को छेडूं, सामने जो आए उनकी दाढ़ियां भी और उनका लबास भी मुसलमानों की तरह था अब मुश्किल हो गई पहचानना तो सब ने लिखा है कि उस वक्त फिर मुसलमानों के सिपा सलार ने कहा इस तरह करो दाड़ियां भी इनकी हमारे जैसी जैसे आजकल भी बास फिरके हैं लिबास भी इनके हमारे जैसे हैं ऐसा करो जो सामने आए ना पहचानते हो वो तो कहो या अल्लाह वो भी जवाब में कहे या अल्लाह तो उस वक्त छोड़ दो अगर ना कहे तो गर्दन मार दो काना श्यारोम योम या मोहम्मद या मोहम्मद सल्ला अलैहि अल वम ये उनका शेयर था साबित ये हुआ आज जो या मोहम्मद से मना करे वो भी उसी लड़ी से है वरना अगर उस वक्त में शेार मुसलमानों का या मोहम्मद या रसूल अल्लाह था तो आज भी सही मुसलमान का मेयार यही है और शेयार भी यही है और क्या शान थी कहा कि है अबू बकर गोद तेरी होगी चेहरा मेरा होगा अब न गाय टिकटिकी बंद कर देख ले मोहब्बत से देख ले वह दुहा के मुखले को देख ले बिला शिरकतें गैरे देख ले कोई और यहाँ नहीं है तो ये तैयार करना है वो तीन दिन और तीन रातें जो थीं, वो सिर्फ सरकार ने सरकारे दो जहाँ आलि की ये मोहब्बत भी थी तरबियत भी थी फैज देना था और फैज भी किस शान से था इज होम आफिल गार इज यकूलो ले साहेब ई जब वो अपने साहेब से कह रहा था फरमाया फरमा रहे थे जब क्या लातन गम ना खा जब बाहर से आवाजें आती थी ना जूतों की तो कुछ फिक्र होती थी अजत सिद्दी के अकबर को कहा लातन इन अल्लाह माना वो अल्लाह मेरे साथ भी है तेरे साथ भी है वो वो अल्लाह क्योंकि सरकार ने मैंने ये जुमे को बयान किए थे इसलिए नहीं छेड़ूंगा कि एक और मौके पर एक अल्लाह के नबी ने इन्ना माया रबी कहा था लेकिन वो सिफ्ते रबूबियत थी रब की सिफत के मज़र थे और आका ने जब कहा इन अल्लाह महाना तो ये अल्लाह का इसमें ज़ाती क्योंकि ये ज़ात के मज़र हैं अल्लाह हमारे साथ है वहाँ उन्होंने कहा था मेरा रब मेरे साथ है गम ना करो और यहाँ कहा अल्लाह हमारे साथ है तो जिनकी मैत का ये आलम हो और मैं इसको मज़ीद फैलाऊंगा नहीं बस इतनी बात कि शरीयत मुकदसा को देखो अकैद सहिया को देखो और कुर्बानी को देखो और मुसल इमामत मुस्तफ़ा सलाम को देखो हर मकाम पर सिद्दीक नज़र आएंगे अल्लाह के माहौर फिर आखिर में भी अब देखें तो सही ना जिनको अल्लाह ने इतना करम लवाजी फरमाया जिंदगी में भी साथ रहे और कहा कि वसाल भी आपकी कब्र इनके साथ होगी ये एक बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ हजरत सैद बाग ये उन्नीस सौ बहत्तर तिहत्तर की बात करूँ हमारे में दीन ने यह कहा था कि सिद्दीक जहाँ होगा वहाँ जूठा नहीं जा सकता सिद्दीक जो हुआ फी के वजन पर वहाँ झूठ नहीं होगा और उमर की शान ये है कि अ यफिर मिन जिल्ले उमर शैतान उमर के साय से भागता है रब ने कहा दोनों यहाँ सो जाओ ताकि शैतान भी यहाँ ना आ सके झूठा भी यहाँ ना आ सके और जो वहाँ नहीं जाता हम नहीं फतवा देख के वो क्या है क्यों हजरत हाँ हम नहीं कहते कि वो क्या है वो दोनों में से एक है खुद ही फैसला कर ले जो वहां कहता है कि ना जाओ वो जो वहां नहीं जाता तो जनाब सिद्दीक अकबर वो हैं जिन्हें सिद्दीक कहा उसके महबूब ने सिद्दीक कहा आज तक दुनिया सिद्दीक कहेगी क्योंकि साहबा सारे सिद्दीक हैं हर सहाबी नबी हर सहाबी नबी तो जब ये शान है अतार और हम आले तारबा कराम दोनों के गुलाम हैं दोनों का फैजान जारी है तो सिद्दीक अकबर तो वो हैं जिनको अतकाबी रब ने कहा और जिनको साहिब ही रब ने कहा और देखिए ना कि इसीलिए लिखते हैं किसी और की सहाबियत का इनकार मुमकिन है करने वाला किसी वजह से करे तो काफिर ना हो लेकिन सिद्दीक अकबर की सहाबियत का इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा क्योंकि नस मौजूद है और फिर उनकी अफजलियत भी अतका अतका रब ने उन्हें कहा यह सुपरलेटिव डिग्री है इसमें तफजील है अतका वो है और फिर साहेबी भी उन्हें कहा गया और अल्लाह के महबूब के लिए जो मैं अदीज बयान कर रहा कहा कि जान माल औलाद ये तीनों चीजें हैं और मेरी ख्वाहिश यह है कि ये तीनों हमारे आका की जात पर कुर्बान हो जाए आमन आस बर मौला ए माँ ये ये भी हमारे आका की शान है आका फरमाते हैं मैंने हर किसी के एहसान का बदला चुका दिया अबू बकर तेरे एहसान का बदला गर्मी है कि आमत में हो चुकाएगा रब हालांकि वो उन्होंने कोई एहसान नहीं किया वो सरकार की लेकिन ये सरकार की शफकत भी थी सरकार की अनायात भी थी सरकार सल्लाम का करम भी था तो आज बाज लोग हजरत है। मैं हैरान हूँ वो जी खिलाफत ज़ाहरी और बातरी और म हो अपना ज़ाहिर बातन दुरुस्त करो जिस को अल्लाह के रसूल ने अपने मुसले पर खड़ा किया मुसल इमामत पर खड़ा किया और मैंने निशान लगाई में जनाब हैदर कर रैं मुर्तजा के कदमों की खाक का भी गुलाम हूँ जनाब मौल मुर्तजा की बड़ी शान है बहुत बड़ी शान है बहुत बड़ी शान है जो उनकी शान का माज अल्लाह मुनकर हो वो वो भी खबीस है जनाबे हैदर करार ने फरमाया है अब बकर मैं गैर हाजिर ना था मैं हाजिर था मैं गायब ना था मैं हाजिर था मैं बीमार ना था सेहतमंद था मेरी मौजूदगी में और सेहतमंद होते हुए मेरे मबू बाका ने तुझे अपने मुसल्ले पर खड़ा किया है, है, है। कोई थोड़ी बात है और बल्कि खड़ा भी किस अंदाज से किया आका मौला को आवाज आई आवाज हस्ते फारुक आजम जहिर आवाज आई फरमाया की, की उम्र फरमाया ला 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 तीन बार फरमाया तीन बार फरमाया नहीं 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 सुबू बकर के कोई और खड़ा ना हो तो सरकार की मौजूदगी में जो मुसल्ला इमामत पर खड़ा हुआ और जिसने खत्म नबूवत पर पहरा दिया ये भी बड़ा ज़रूरी है आमिरिदीन आपकी इज्जतों को सलाम करते हैं और आपसे पहले भी जिन्होंने तहरीक खत्म नबुवत में काम किया ये फकीर उ, उस वक्त गुजरखान में था ये मस्किन केस बने रहे हैं अलामा न्याजी साहब लूरानी साहब और भी जिन्होंने किया अल्लाह उनकी भी इज्जतों और अजमतों में इजाफा फरमाए खत्म नबुवत हमारी ईमान है हमारा ईमान है हमारी जान है क्योंकि आका मौला की यही शान है इस पर पैरा पहला दिया तो सीधी के अकबर ने दिया है यह कोई थोड़ी बात ना थी अल्लाह मुझ पर और आप पर करम फर